जैसे कि इस बात को हम सब जानते हैं कि सऊदी एक इस्लामिक देश है, तो वहाँ की महिलाओं के लिए वहाँ के कानून काफी सख्त है। कुछ कानून तो ऐसे भी है जिसे सुनने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि स्त्री पर ऐसी भी रोक हो सकती है। वैसे तो सऊदी एक विकसित देश में गिना जाता है, लेकिन महिलाओं पर इन रोक से लगता है कि ये देश पुरुष और महिला में समानता नहीं करता। एक, शादी जैसे निर्णय लेने की छूट नहीं। जैसा कि अक्सर भारत जैसे देशों में देखा जाता है कि स्त्री हो या फिर पुरुष, दोनों को अपनी जिंदगी खुद के अनुसार जीने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन उस देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां महिला को खुद के निर्णय खुद लेने पर भी रोक है। यहां उनको कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपने माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक है। यहां तक कि अगर वो शादी करना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपने घर वालों की अनुमति लेनी होगी। दो, अनजाने पुरुष के साथ बैठना। अगर महिला कोई सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करती है जैसे ट्रेन बस, तो उनको अलग से बैठने के लिए स्थान दिया जाता है। पुरुष के कोच में महिलाओं के बैठने पर कड़ी पाबंदी है। तीन, शरीर दूसरे लोगों को देखा नहीं सकती। सऊदी अरबी में इस बात का खास कानून है कि यदि कोई महिला शादीशुदा है तो वो अपना शरीर अनजाने व्यक्ति को नहीं दिखा सकती है। यहाँ महिला के शरीर पर काला वस्त्र होना बहुत आवश्यक है, इसीलिए इस देश की हर महिला पर्दे में ही बाहर आती है। चार, पुरुष से अधिक पढ़ाई नहीं कर सकती। यहाँ ज्ञान के कुछ क्षेत्र में महिला के लिए रोक है जिनमें ये पढ़ाई नहीं कर सकती है। यही वजह है कि वहाँ अमीर घर की स्त्री विदेश जाती है अपनी पढ़ाई करने के लिए, और एक कानून को यहाँ माना जाता है जिसके अंदर घर की महिला मेहमान के सामने बिना पर्दे के नहीं आ सकती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।